श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्ण। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, धीरे धीरे अपना ये सनातन धर्म रहस्य का परिवार बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद आप सभी के प्रेम का, हम आभारी हैं। मित्रों, आज का हमारा विषय है ये विवाह स्थलों में, विवाह कार्यक्रमों में बजने वाले डीजे पर गीत। जब दूल्हे की एंट्री जब विवाह स्थल में होती है तब गाना बजाया जाता है अजीमो शान शहंशाह। ये जो फिल्म है ऋतिक रोशन की, जोधा अकबर, एक 100 करोड़ सेकुलर मूवी थी जिसमें जोधा को दिखाया गया था। जो भी है, इस पर नहीं जाना चाहता मैं, उस पर अलग से वीडियो बनेगा। परंतु इस फिल्म में बजाया जाने वाला जो गाना है वो मुगल बादशाह अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शान में गाया जाने वाला है। क्या हमारे पास कोई भी ऐसा लीजेंड नहीं है जिसका गाना हम अपने शादी में, विवाह में बजाया जा सके? ये पुराने समय में फोक सॉन्ग होते थे जो विवाह में दूल्हे की एंट्री के साथ में गाए जाते थे, दूल्हे के साथ साथ उस गाए जाते थे। तो वो धीरे धीरे वो गायब हो गए। अब वो जो ले लिया है, इस तरह की कवायदों ने ले लिया, गीतों ने ले लिया है जो फिल्मों में बजाया जाता है, ये अजीमो शान शहंशाह। ये क्या मैसेज क्रिएट करता है? क्या हमारे पास मुगलों की अधीनता के अलावा कुछ भी नहीं है? हमारे महापुरुष तो महाराणा प्रताप थे, क्या किसी फिल्म में एक भी गीत नहीं है जो उनकी महानता के बारे में, शौर्य के बारे में बता सके? अकबर से महान थे महाराणा प्रताप, ठीक है, तो उनका कई किलो का वजनी तो भाला था। जो कवच जो पहनते थे वो अकेला कवच जो है 100 किलो से ज्यादा का था, उनकी तलवार बहुत भारी थी, तो उनका शौर्य अप्रतिम था। क्या उनका गीत नहीं बजाया जा सकता? और भी जो है, सब अगर बात करें रामायण के, रमन सागर जी की रामायण जो थी उसमें जो गीत है, उसमें भगवान श्री राम और सीता के स्वयंवर का, क्या वो गीत नहीं बजाया जा सकता? उसमें भजन नहीं बजाया जा सकता? क्या हमारे पास एक भी सॉन्ग ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारा अपना, हमारे धर्म का, हमारे जो उसमें हमारे महापुरुषों की शौर्य गाथा का, हमारे भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन कर सके? हमारे यहाँ जमाई को, जमाता को विष्णु का रूप माना जाता है, तो विष्णु भगवान की स्तुति ही गाई जा सके उस समय? ऐसा नहीं है। जमाई को उस समय हमारे जो, अब किताबें उठा के देखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करके देखें, बहुत से जो हमारे हरियाणा में जो देहात में, जो अलग अलग जगह उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और अलग अलग जगह उनके प्रादेशिक, उनके जो गीत हैं जो बजाए जाते हैं, क्या एक भी नहीं है? मंगलाचरण जो गाए जाते हैं विवाह में, विवाह के मंगलाचरण जो गीत गाए जाते हैं वो लुप्त तो हो गए। अगर वही गाए जा सके तो हमारा धर्म बच सके। कोई एक प्रयास करके देखिए, इस तरह का जो गीत है अजीमो शान शहंशाह, इस तरह से आप किसे प्रमोट कर रहे हो, किस विचारधारा को पोषित कर रहे हो? तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि कृपया विवाह में ऐसी मूर्खता न करें, क्योंकि आप दूसरे के मजहब के, दूसरे की विचारधारा को अपने घर में पोषित कर रहे हो जाने अनजाने में, परंतु आपकी सनातन धारा को कोई अपने घर में पोषित नहीं करेगा। इस चीज को समझ लीजिए, और नहीं समझे तो भाई इससे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। और जिनको मेरी बात समझ में आई है, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को फैला दीजिए ताकि मेरी बात जो है सब तक पहुंचे। जय श्री राम, धन्यवाद।